वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इस टाइप से न्यूमेरिकल की फाइंड ए यूनिट वेक्टर। अब जैसे किस तरीके से सॉल्यूशन होगा यहाँ पर यूनिट वेक्टर, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन बताओ हमें। ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, कि कोई भी यूनिट वेक्टर जैसे ए कैप। ठीक है, पहली बात तो यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या थी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए को, कहने का मतलब है अगर ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वन होगा, इसका ये मतलब है। सही बात है। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं मतलब शो करते हैं, ए कैप किसके बराबर होगा, वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। ये बात सीखी थी हमने, जब वेक्टर की बात आ जाए दो काम की बात होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर किस तरीके से न्यूमेरिकल है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर निकालना है इन दी डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। अब कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात इसको अगर ग्राफ से समझना चाहिए इस बात को कि किस तरीके से कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, जैसे यहाँ पर कोई दूसरा वेक्टर मान लो जैसे बी कैप मान लो, जैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो ये वैक्टर, यहाँ पर जैसे बी मान लो इसकी वजह, या फिर इसी को बी मान लो, इस तरीके से कहने का ये मतलब है। ठीक है, अभी इस तरीके से, अभी ये वैक्टर है कोई, सबसे पहली बात तो वेक्टर से डायरेक्ट पॉइंट लिखना, हमने क्या कहा था कि आई कैप जे कैप के कैप को हटा दो, या फिर जो इनके कोफिशियंट है, क्या क्या कोफिशियंट है, 2, 3, 1 प्लस साइन से अलग, ठीक है, उनको कोमा से सेपरेट कर दो, ये बना पॉइंट। ठीक है, अब जैसे इसको डायग्राम से या फिर ग्राफ से समझना चाहिए, इसका क्या मतलब है, जैसे एक्स पर तो है 2, जैसे यहाँ पर है प्लस एक्स, यहाँ पर है ये है 2, वाई का 3 यहाँ पर है, इस तरीके से। और पॉइंट जैसे ये यहाँ पर बना 2, 3, 1, वैसे तो हम जेड एक्सिस को सीट ऑफ पेपर पर यहाँ दिखाएंगे, जैसे ये वाई ये जेड, ठीक है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यही बात भी हमें पता है कि एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होती है किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है, वाई एक्सिस के, और साथ में परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस के भी, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये बात। ठीक है, वैसे हम सीट ऑफ पेपर पे तो इस तरीके से दिखाते हैं, मतलब ये डिस्टेंस है 1, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, क्यों, क्योंकि ये है 3D का केस, मतलब इनडायरेक्टली 8 क्वाड्रेंट है 3D में, ये बात भी हमने हमें पता की थी। ठीक है, मतलब 4 तो जैसे ये है सीट ऑफ पेपर, इस तरीके से, जैसे इस साइड होगा माइनस एक्स और इस नीचे होगा माइनस वाई, सही बात है, ये है सी टॉप पेपर। अगर 2D की बात करें तो ये जेड यहाँ पर नहीं है, ये जेड इससे ऊपर होगा और एक बार इसके नीचे होगा, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है 2, 3, 1, अब किस तरीके से कंडीशन है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, सही बात है, अब इसकी डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन का क्या रोल है यहाँ पर, जैसे कहने का मतलब यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये है ओरिजन, सही बात है, ओरिजन तो इसी टाइप का होगा, तीनों 3D की बात हो तो तीनों एक्सिस 0 होंगी, अब इससे पास आउट होके कोई लाइन जा रही है, सही बात है, कोई लाइन है L, क्यों, क्योंकि वेक्टर का कंसेप्ट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से आया था, इस वजह से कोई भी लाइन है। अब इस पर यहाँ पर पता नहीं हमें कितने वेक्टर होंगे, सही बात है, अब जैसी पहली बात तो ये बी वैक्टर है, यहाँ से यहाँ तक का बी वैक्टर है, ये बात है। ठीक है, अब इसके बाद अब एक ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है, ये हो वो मैग्नीट्यूड, ये हो वेक्टर, जैसे ए बी पॉइंट से अगर समझना चाहे कि ए से बी तक हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए, सही बात है, हो सकता है इससे आगे हो, इनफाइनाइट होंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन काम के यहाँ पर। ठीक है, और जो ये कैप लिखते हैं हम, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप, ठीक है, और ये हमें डायरेक्शन के बारे में ही बताता है, ये बात हमें बताओ। ठीक है, ये भी काम का पॉइंट है इस वजह से। ठीक है, अब जैसे बी वेक्टर है, अब जैसे इसकी डायरेक्शन में सीधी सी बात है, तो सबसे पहले बी वेक्टर है, जैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, किसके बराबर आया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से किसके बराबर आया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जैसे मैग्नीट्यूड क्या कहा था हमने, स्क्वेयर रूट करना है, जो भी इनके कोफिशेंट हो उनका स्क्वेयर किया और तीनों को ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट पॉइंटों का स्क्वेयर किया, 2 का स्क्वेयर बीच में प्लस का साइन, 3 का स्क्वेयर फिर 1, इस तरीके से, तो किसके बराबर हुआ स्क्वेयर रूट ऑफ 14, इस तरीके से, ये तो ही इसके मैग्नीट्यूड की बात है। ठीक है, और यहाँ से अगर बी कैप लिखना चाहते हैं हम, बी कैप किसके बराबर होगा, इसी तरीके से
ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड, सही बात है, ऊपर वेक्टर, अब वेक्टर, अब पहली बात तो यहां पर बी कैप तो लिख नहीं सकते, क्योंकि बी कैप तो वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। यूनिट वेक्टर को ही हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी काम की बात है, सिर्फ यूनिट वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नहीं है कि किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, इस वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अब इसको जैसे ऊपर है वेक्टर, ऊपर वेक्टर है जैसे 2i कैप + 3j कैप + 5k कैप, इस टाइप, जैसे यहाँ पर प्लस का 1k कैप है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड और यही है ए कैप, सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि ए कैप, ठीक है। अब ये बात क्यों होगी यहाँ पर, जैसे ए कैप है उसका मतलब है वेक्टर, अब वेक्टर तो मतलब कहने का मतलब डायरेक्शन, इन दी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का मतलब तो ये है, ये पॉइंट, या फिर कहीं आई जे के कैप, मतलब तीनों एक्सिस पॉजिटिव होंगी, सही बात है, जैसे यहाँ पर तीनों पॉजिटिव थी इस तरीके से, तो ये वेक्टर काम का हुआ, नीचे मैग्नीट्यूड है इसका, सही बात है, और ए कैप यहाँ पर वन भी तो होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, इस तरीके से, तो हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था, इस तरीके से ये होगा डायरेक्ट यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, कोई भी वेक्टर लिखाओ, ठीक है, ऊपर वेक्टर लिखना, नीचे मैग्नीट्यूड, और वही उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, अब पहली बात तो यहाँ पर तो यूनिट वेक्टर तो निकालना नहीं, सिंपल वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब उस पर कंडीशन किस तरीके से, कि इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये है वेक्टर ए, वेक्टर i-2j, ठीक है, जैसे इसके पॉइंट क्या बने, 1, -2, ठीक है, मतलब आई कैप जे कैप को हटा के यही तो बचे, या फिर कोफिशियंट, ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट। अब इस बात का क्या मतलब है, एक ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड तो है 7 यूनिट लेकिन वो इस डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, यूनिट वेक्टर किसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जो ये कैप है ये डायरेक्शन बताती है, तो इसके डायरेक्शन में। अब इस बात का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर किस तरीके से, ए कैप होगा किसके बराबर होगा, ऊपर वेक्टर एज इट इज लिख दो, i कैप - 2j कैप, और नीचे अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, नीचे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जैसे इसका निकालना था स्क्वेयर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब जो भी ये पॉइंट आए इनका स्क्वेयर कर दो, 1 का स्क्वेयर, बीच में प्लस का साइन, और -2 का स्क्वेयर 4 होता है, इस तरीके से, ठीक है, तो ये नीचे होगा √5, ठीक है। जैसे ये तो आया यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में, सही बात है। अब हमें वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो वेक्टर कोई भी वेक्टर मान लो, बी वेक्टर मानो कोई भी, या फिर डायरेक्टली वेक्टर, कैसा वेक्टर निकालना जो इसकी डायरेक्शन में हो, सही बात है, मतलब ये काम का पॉइंट है जिसका मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट, कहने का मतलब है कि वेक्टर निकालना है किसके बराबर होगा, यहाँ से अगर ये बात लिख दिया हम 7 यूनिट है, तो 7 a कैप किसके बराबर हो जाएगा, i कैप - 2j कैप, और नीचे √5, इस तरीके से। अब ये बात क्यों लिखी हमने यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड तो है 7, और साथ में डायरेक्शन, डायरेक्शन इस वेक्टर की काम की है, इस वजह से जो ये 1 लिखा है यहाँ पर, एक्चुअल में ये यहाँ पर था मैग्नीट्यूड में, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, इसका ये भी तो मतलब है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, एक ऐसा वेक्टर निकाला हमने यहाँ से, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है इसके अलोंग, तो बस ऊपर वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, और ये साथ में 1 × 2, इसलिए ये यूनिट वेक्टर था, सही बात है। सेम बात यहाँ पर भी है, ये 1 × a कैप है, एक्चुअल में 1 × a कैप है, बस यहाँ से वेक्टर निकालो जो भी गिवन हो, और नीचे मैग्नीट्यूड, हाँ कभी ये भी हो सकता है कि पॉइंट दिए हो तो पहले वेक्टर लिखो इस तरीके से, i कैप j कैप लगा दो उसके साथ, नीचे मैग्नीट्यूड, लेकिन ये यूनिट वेक्टर का मतलब 1 × 2, क्यों, क्योंकि वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, डायरेक्शन इसके अलोंग है इस वजह से, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पर वेक्टर चाहिए था हमें 7, जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इनडायरेक्टली, यही तो मतलब है, ए कैप काम का है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, या फिर इसको इस तरीके से पढ़ लो कि 7 × 1 a कैप,
सही बात है, 7 मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, इस तरीके से बस ये सॉल्यूशन होगा। यहाँ से ए कैप निकाल सकते हैं हम, ठीक है, मतलब ये 7 यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो, ठीक है, किस तरीके से कि यहाँ से जो वेक्टर आया मतलब ए कैप इस तरीके से। इसका क्या मतलब है, पहली बात तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से किसके बराबर आया, आई कैप -2j कैप और नीचे 7√5। अब इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि आई कैप के नीचे एक बार ये और -2 के नीचे एक बार ये और जे कैप इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।